तो हे गाइस, कैसे सभी? आई होप सब मस्त होंगे। तो फिर आज की वीडियो बताने वाला कि 2020 में एडसेंस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो एकदम सही तरीके से। दोस्तों आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करें, कोई भी बहुत सारा गलती करते हैं इसलिए उनका एडसेंस वेरिफिकेशन नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में एकदम क्लियर बताने वाला। और हाँ, मेरा कल मेरा सेटअप का वीडियो आने वाला है, न्यू सेटअप रेडी हो चुका है। कल मेरा न्यू सेटअप का वीडियो आने वाला, जरूर देखिएगा, ओके। और हाँ, मैं गिव्यू करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा दिन से मैं गिव्यू करने का सोच रहा था। मैं किस पर कौन सा प्रोडक्ट का गिव्यू करूँ, नीचे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड तक देखिए। अगर आप यूट्यूबर हो तो फ्रेंड इस वीडियो को प्लीज़ यार एंड तक देखिए, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और हाँ, आगे चल कर आपको भी एक काम जरूर आएगा। तो दोस्तों बस हाँ, इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। और आज का लाइक हम रखते हैं 800। प्लीज़ यार, मैं आशा करता हूँ 800 लाइक कर देंगे। और हाँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ। कोई भी अपडेट होता है मैं वहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए जरूर, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। सो आपसे कहना चाहूँगा यार, इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप पूरा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ओके। और हाँ, 2020 में थोड़ा भी कुछ भी गलती कर देते हैं तो आपका मतलब एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए, 2020 में कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं ड्राइविंग लाइसेंस करूँ अपने पापा का, ध्यान से दीजिए तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपका मैं अपना क्रोम ओपन कर ले रहा हूँ। तो फिर ओपन करके अपना एडसेंस लॉगिन हो जा रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन मतलब लोड हो रहा है। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे एडसेंस ओपन हो रहा है जैसे आप लोगों के सामने। जैसे कि आप देखिए, मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। मतलब इसको ओपन होता है एक्शन करने का, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद एक्शन मिलता है, एक्शन बटन। तो जैसे कि मैंने एक्शन बटन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आता है वेरीफाई नाउ। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब अपना सब डिटेल यहाँ पर भर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरा पापा के नाम से मैं बनाया हूँ। उसके बाद मैं अपना वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ओपन हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, रही वीडियो में बता रहा हूँ। तो उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लिखा है, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों को मालूम भी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मालूम नहीं है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो बहुत आप गलती कर देंगे। उसे यहाँ पर लिखा है, आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब आधार कार्ड नहीं लेगा ये। तो फ्रेंड्स मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ अपलोड है, मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और हाँ, ध्यान देने वाली बात, तो फ्रेंड्स अगर आपका मतलब एडसेंस में दूसरा नाम है और हाँ आइडेंटिफाई दूसरा नाम से कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आज जिसका नाम से है वही नाम दीजिएगा, जो आपका पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, आधार कार्ड नहीं लगेगा, पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें है वही दीजिएगा, ठीक है। मैं अपना डाल देता हूँ, पापा का अपना। तो फिर जैसे कि देखते हैं लोडिंग हो रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा लोडिंग होने देते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। देख सकते हैं ये जेपीजी यहाँ पर अपलोड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एड्रेस वही डालेगा जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकते हो सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे वेरीफाई योर आइडेंटिफाई। जैसे आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, द प्रोसेस मे टेक ए फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट। मतलब इसका रिजल्ट आपके ईमेल पर आ जाएगा। इफ़ यू आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यू ऑल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स अगेन, यू हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मतलब कह रहा है कि अगर आपका मतलब लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स अगेन और नहीं हो पाएगा तो दोबारा भी आप कर सकते हैं। गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं हो गया, सबमिट हो चुका है। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। थोड़ा नेट चला है, हो गया, देख सकते हैं। ए प्लीज अलाउ ए फ्यू डेज वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आपका पास मेल आ जाएगा, ठीक है। अब 24 घंटे के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। बस आज की वीडियो इतना ही, इसी तरह आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी गलती मत कीजिए। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद करूंगा आज की वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मुझे जाकर इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। न्यू अपडेट वहां पर भी देता रहता हूँ। बस।